अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का वेलकम करते हैं। और आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है स्किन रिटेचिंग के बारे में। स्किन रिटेचिंग आप लोग किस तरह कर सकते हैं, बियर्ड की सिलेक्शन वगैरह जो है किस तरह करते हैं, और टेक्स्चर वगैरह की जो है स्किन रिटेचिंग किस तरह की होती है, फुली एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना है आप लोगों ने, और कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहूँगा। सो मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा एक ग्रुप है फराज फोटोग्राफी के नेम से, जिसमें माशाल्लाह से 8.8 के मेंबर्स हो गए हैं। तो इसको भी लाजमी से आप लोगों ने जो है ज्वाइन कर लेना है, और अपना जो है वर्क वगैरह पोस्ट करते रहें। तो यहाँ पर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स वगैरह मिलता जाएगा, आप अपनी जो है कस्टमर वगैरह जो है जनरेट कर सकते हैं। और माशाल्लाह से हमारे जो है व्यूज़ जो है वो 10 के कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बैकग्राउंड वगैरह भी जो है मैं लेकर आने वाला हूं, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज जो हम पिक एडिट करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को पहले चेक करा देता हूँ। सो आज जो हमारी पिक है वो बिल्कुल ये वाली है, ये पिक है आज की हमारी, और इसको हम कुछ इस तरह का बनाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी स्किन जो है हमने किस तरह की बनाई हुई है, बिल्कुल टेक्सचर वाली, बिल्कुल रियल स्किन है, बगैर कोई फेक वगैरह जो है नहीं लग रही कहीं से भी। और जो है बियर्ड वगैरह की बहुत सारे लोग जो है पूछते हैं कि आप बियर्ड वगैरह जो है किस तरह बनाते हैं, हमारी जो है बियर्ड वगैरह की जो है ख़राब हो जाती है। सो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो आज वीडियो आ चुकी है। सो आप लोगों ने अपना जो है सपोर्ट वगैरह दिखाना है वीडियो पर, और वीडियो को फुल देखना है। सो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो फोटोशॉप जो है मैंने ओपन कर लिया है, अब मैंने जो पिक ओपन कर लिया है, तो यहाँ से मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ, और कैमरा रॉ में आ जाता हूँ, और वहाँ पे जो है इसकी हाईलाइट और शेडोज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने पिक के हिसाब से। आप लोगों ने भी जब भी पिक स्टार्ट करें तो पहले जो है हाईलाइट और शेडोज़ को अपने हिसाब से कर लेना है, ताकि जो है कलर ग्रेडिंग में के टाइम पे जो आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी कम करके मर्ज विजिबल कर देता हूँ, और यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर किसी भाई को कटिंग नहीं आती तो इस पर मैं एक ऑलरेडी एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर आप इजीली उसको देख सकते हैं। उसके बारे में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सिलेक्ट एंड मास्क के बारे में और पेन टू की कटिंग के बारे में, तो आप वहां से जाकर इजीली सीख सकते हैं। तो यहां पे जो है मेरी कटिंग हो चुकी है, अब यहां पे मैं जो एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करने लगा हूं। तो यहां पे जो है मेरा बैकग्राउंड एक मैंने चूज़ कर लिया है अपने हिसाब से, जो पिक पर मैंने लगाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक ब्लर टूल लगा दी है, ठीक है, ब्लर इफेक्ट लगा दी है, फील ब्लर मैंने लगा दी। यहाँ पे जो है मैंने इरेज करने वाला हूँ ये जो वाइट एजेस हैं उनको किस तरह रिमूव करने है, आपने एक सिलेक्शन ले लेनी है, इनवर्स सिलेक्शन ले लेनी, और इरेजर टूल से आपने जो है अपने हेयर्स के आगे पीछे उसको ब्रश कर देना है, तो आपका जो है वो इरेज हो जाएंगे। यहाँ पे अब मैंने जो है लिक्विफाई टूल ओपन कर लिया है, और यहाँ से मैं जो है अपने हेयर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। आपने बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगा कर अपने जो है हेयर्स पर लगाना है, क्योंकि ये मेन पार्ट होते हैं, और जो है यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस जाता है हेयर्स पे, तो आप लोगों ने हेयर्स पे थोड़ा सा ना टाइम लगा कर वर्क करना है। ओके, यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ठीक हो गए हमारे जो हेयर्स हो गए एडिट हो गए। यहाँ पे मैं अपनी लेयर की न्यू लेयर बना लेता हूँ, और यहाँ से मर्ज विजिबल कर देता हूँ, और यहाँ से जो है कैमरा रॉ में आ जाते हैं, और फिर से मैं दोबारा जो है इसके हाइलाइट्स और शेडोज़ को एडिट करने वाला हूँ। तो यहाँ से देख ओके कर दिया मैंने, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी देखकर मैंने जो इसको मर्ज विजिबल कर दी, और दोबारा न्यू लेयर बनाकर कैमरा रॉ में आ गया। और यहाँ से मैं फ़िल्टर लगाने वाला हूँ, अगर कोई भाई मुझसे फ़िल्टर बाय करना चाहते तो मेरा जो नंबर व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप वहाँ से जाकर मुझे इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया ओके को, और यहाँ से जो है हमारा फिल्टर जो अप्लाई हो चुका है। इसकी मैं जो है ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा आगे पीछे करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट एंड मास्क जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहीं से मैंने जो है अलग कर दिया इनको और यहाँ पे प्रेस कर दिया ओके को। यहाँ से अब जो है हम स्किन एडिटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बियर्ड का मैं बताने वाला हूँ। तो पेन टूल से आप लोगों ने बिल्कुल आराम आराम से अपनी जो है बियर्ड की सिलेक्शन ले लेनी है। जिस तरह आप बियर्ड की सिलेक्शन ले लेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ फैदर वगैरह जो है किस तरह लेने हैं। यहाँ पे सिलेक्शन लेके आपने फैदर लगा लेना है 4 का, और यहाँ से जो है अपनी जो है स्किन एडिटिंग स्टार्ट कर लेनी है। स्किन एडिटिंग में आप लोगों को बता देता हूँ उसकी सेटिंग जो है 30, 75, 90, 100 आप लोगों ने बिल्कुल सेम रख लेनी है। ये बिल्कुल बेस्ट सेटिंग है और स्किन एडिटिंग के लिए। तो देख लें आप मैं किस तरह के स्किन एडिटिंग करता हूँ आप लोगों के लिए। सो आप लोगों ने बिल्कुल टाइम लगाकर जो है अपनी स्किन एडिटिंग करनी है। सिलेक्शन से ये होगा कि आपको जो है स्किन एडिटिंग जो है वो बाहर बियर्ड को ख़राब नहीं करेगी, बिल्कुल आराम से आप अपनी स्किन पर जो है वर्क कर सकेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट जो है बाहर नहीं जाएगा सिलेक्शन से बाहर, तो आप इजीली वर्क कर सकते हैं अपनी जो है स्किन एडिटिंग पर। जितना आप अपना जो है टाइम देंगे स्किन एडिटिंग पर, आपकी जो पिक है वो उतनी ही खूबसूरत और प्यारी निकल कर आएगी। क्योंकि जो मेन पार्ट होता है हमारा फेस, जो अगर उस पर वर्क हमने जल्दी जल्दी में किया तो कोई फ़ायदे वाला काम नहीं होगा। सो आप लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है और जो है अपनी स्किन एडिटिंग पर को जो है इम्प्रूव करना है। स्किन एडिटिंग पर भी मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप जाकर मेरे जो है चैनल विज़िट करें, आप लोगों को जो है मिल जाएंगी आपको। सो यहाँ पे जो है मैं स्किन एडिटिंग कर लेता हूँ। अभी जो है यहाँ पर मैं जो है लेंसेज डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने ये वाला टूल सेलेक्ट करके इसको कर लेना है। यहाँ पर माइनस सेलेक्ट करके आर प्रेस करके आपने इसको माइनस कर लेना है, और यहाँ पे न्यू लेयर बना कर आपने एक ग्रेडियंट टूल से जो है अपने कलर ऐड कर लेना है बकेट टूल से। यहाँ पे मैं ब्लर जो है डालने वाला हूँ। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो है जो कि मेरी आईज पर बेस्ट लगे, जिसको मैं आगे जाकर चेंज भी कर सकूँ। यहाँ पे आप लोगों ने जो है गॉशियन ब्लर लगा लेना है 4 या 5 का, 3, 4, 5 इस तरह कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट को, और इसी तरह के जो है मैं उठाकर जो है इसको पिक करके दूसरी आईज पर भी लगा देता हूँ, और वहाँ से भी जो है एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो है हमारे जो है आईज पर कितना ज़्यादा जो है फ़र्क आ चुका है। इसकी ओपेसिटी को अब आप लोगों ने जो है कम कर लेना है इरेज करने के बाद। अभी आप लोगों ने इनको दोनों को मर्ज कर लेना है, और ओपेसिटी का आप लोगों ने थोड़ी सी कम कर देनी है। और जो है अब आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल यू प्रेस करके आप लोगों ने यू एन सेचुरेशन में आ जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो है कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने जो है अपनी मर्जी का कलर जो है सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको वाइट कर लेता हूँ ताकि जो है हमारे आईज जो है ब्राइट लगें। आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह करना है। आप लोगों ने जो है आप लोगों की जो रियल लेयर है जिस पे आपने वर्क नहीं किया वो उसको आप लोगों ने ऊपर ले आना है एक डुप्लीकेट लेयर बना के, और अदर में आ जाके हाई पास लगा लेना है 1.5 का। यहाँ पर आप लोगों ने स्कोर कर लेना है लीनियर लाइट, और यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितना जो है प्यारा जो हमारा इफेक्ट आ चुका है रियल का। सो यहाँ पर आप लोगों ने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, क्योंकि ये जो है फिर ओवर लगेगा आपका। सो जो है मैं ओपेसिटी का आप लोगों को बता देता हूँ कितनी रख लेनी है आप लोगों ने। तो यहाँ पे ओपेसिटी आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ी सी कम कर लेनी है अपने हिसाब से, अपनी पिक के जो हिसाब से कर लेनी है। अभी मैं अपनी पिक के हिसाब से रख लेता हूँ और इसको मर्ज विजिबल कर देता हूँ, और यहाँ पर आप लोगों ने जो है इसको अपने हिसाब से कर लेना है एडजस्ट। मैं थोड़ा सा पिक के हिसाब से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैमरा ओपन कर लिया है ताकि जो हमारे जो हेयर्स में जो कलर आ रहा है उसको रिमूव कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है इसकी सैचुरेशन बिल्कुल कम कर दी है, जो है पर्पल ब्लू और जो है मैजेंटा की। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने हिसाब से कर लेना है, जो भी आपका जो कलर इजाफी आ रहा है तो उसको रिमूव करने का यही तरीका होता है। सेलेक्ट एंड मास्क से आप लोग जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक्सपोजर X5 में आ जाता हूँ मैं, एक्सपोजर X6 में सॉरी। तो यहाँ पे जो है मैं कलर ग्रेडिंग कर देता हूँ। जो भी प्रीसेट मैंने यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।
सो बिल्कुल मेन कलर ग्रेडिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं दिखाता नहीं होता हूँ, लेकिन इस बार जो है मैंने कहा आप लोगों को एक्सपायर X6 की जो है कलर ग्रेडिंग दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह करता हूँ, और सारा जो है मैंने दिखा दिया आप लोगों को। सो आप देखते रहें और इंशाल्लाह सीखें। सो यहाँ पे जो मैंने कलर ग्रेडिंग कर ली है और देख सकते हैं आप जो हमारा स्किन पर कैसी टोन आई है, कितनी प्यारी टोन आ गई है। सो यहाँ पे जो है मैं इसको जो है बॉर्डर दे देता हूँ स्ट्रोक पे आके, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ 4 पर। सो जो हमारी जो है बॉर्डर आ चुका है, और यहाँ पे मेन पार्ट जो हमारा जो है लोगो जो है वो मैं लगा देता हूँ। लोगो आप लोगों ने कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि आप लोगों की पहचान है, आपका ब्रांड है लोगो, तो लोगों पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना आप लोगों ने। तो यहाँ पे मैं जो है लोगो लगा देता हूँ, और अभी आप देख सकते हैं कितना जो है डिफरेंस आ गया हमारी पिक में। पहले ये हमारी पिक थी और इसको हमने इस तरह कन्वर्ट कर दिया है।